तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरीके से गूगल एडवर्ड्स के अंदर किसी कैंपेन को सेट करते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूँ, फुल प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से बिडिंग को अपने रखना है और उसको बिडिंग एडजस्ट कैसे करना है कि कम से कम पैसे में हम अच्छे से अच्छे व्यूज ला सकें। और इस वीडियो में हम लोग यूट्यूब वीडियो को प्रमोट करने वाले हैं, किस तरीके से कैंपेन को सेट करते हैं, ये सारी चीजें आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों मैं गुलशन, स्वागत है आप सभी का माई टेक्निकल सीरीज चैनल में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं स्क्रीन पे। अब हम यहाँ पे किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे और गूगल एडवर्ड्स यहाँ पे ओपन करेंगे। ये फर्स्ट लिंक का है, हमें इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर अगर आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो बनाने के बाद अपने अकाउंट को तब साइन इन करें यहाँ पर। तो हम यहाँ पर साइन इन करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हमारा गूगल एडवर्ड्स अकाउंट अभी ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैंने दो एड्स लगा रखे हैं जो कि एलिजिबल हैं अभी। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक एड क्रिएट करके बताऊंगा, एक कैंपेन बनाना बताऊंगा। तो जैसे आप ओपन करते हैं आप ओवरव्यू वाले पे होंगे या तो कैंपेन वाले पे होंगे। तो यहाँ पर इस पर भी होम बना हुआ है और इस पर भी बना हुआ है। आप जिसको भी होम पेज बनाना चाहते हैं सिंपली आपको उसी पर क्लिक कर देना होगा। तो न्यू एड बनाने के लिए यहाँ पर आपको कैंपेन वाले में आने के बाद एड के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर न्यू कैंपेन मिल जाएगा आपको। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने इसके टाइप मिल जाएंगे, क्योंकि हमें वीडियो को प्रमोट करना है तो यहाँ पर किसी ऐप वैप को तो प्रमोट करना नहीं है अभी। यहाँ पर हम क्रिएट एनी अवेलेबल कैंपेन बिना किसी गोल को सिलेक्ट किए ही हम यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे हमें जैसा कि वीडियो एड लगाना है, यहाँ पर वीडियो एड क्रिएट करना है कि हमारा जो यूट्यूब पर जैसे कोई वीडियो चल रही होती है उसके बीच में एड आता है, तो उसको सेट करने के लिए हमें वीडियो वाले में जाना होगा क्योंकि हम वीडियो का एड इसमें बनाने वाले है। तो वीडियो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे जैसे ही तो आपके सामने इतने ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं, पर इन सभी में सारी चीजें गूगल के हाथ में होती हैं। हम यहाँ पर अपने आप से कुछ भी कस्टमाइज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमें कस्टम वाले पे रखना है। इससे हम सारी चीजें अब खुद से कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे, आपका पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और फिर यहाँ पर आप जो भी इस एड का नेम देना चाहते हैं तो आप उसको दे सकते हैं। जैसे मैं एड्स 3 लिख रहा हूँ यहाँ पर। और इसमें आपको मैक्सिमम CPM या टारगेट CPM, तो टारगेट CPM से क्या होता है कि इसके हिसाब से आप एक बार में पैसे पे कर दीजिए। अब उस पैसे का जितना एड आएगा गूगल आपको केवल उतना ही एड देगा। तो अगर मैक्सिमम CPV अगर करते हैं आप तो इससे कॉस्ट पर व्यू होगा, जितने व्यूज आएंगे केवल उन्हीं का पे करना पड़ेगा आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो हम इसको मैक्सिमम CPV रखेंगे। तो यहाँ पर कैंपेन टोटल जो आपका बजट होगा यहाँ पर डेली आपको सेलेक्ट रहने देना है और यहाँ पर 100-200 कोई भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से आप कैंपेन की डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं, किस दिन से आपको कैंपेन को स्टार्ट करना है और उसको किस दिन एंड करना है। तो यहाँ पे 6 जनवरी से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर इसको और हमारी डेट भी सेलेक्ट हो चुकी है। तो अब यहाँ से आपको किस किस जगह पर आपने वीडियो को दिखाना है, तो यहाँ पर यूट्यूब सर्च रिजल्ट में भी ये आना चाहिए और यहाँ पर यूट्यूब वीडियोज में भी आना चाहिए। तो हमें इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। और फिर यहाँ पे लोकेशन, आप किसी एक लोकेशन को टारगेट कर सकते हो, किसी एक कंट्री को टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पर इंडिया अभी सिलेक्ट है, जैसे कि आप पाकिस्तान को भी टारगेट कर सकते हैं। इन सभी जगहों पर बिड कम होती है और यहाँ पर कम पैसे में आपका ज्यादा व्यूज आएगा। और आपको यहाँ पर जैसे हम इंडिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, आप अपनी लैंग्वेज यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको आप डिफॉल्ट ही रहने दे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर यहां पर इन्वेंटरी टाइप में आप एक्सपेंडेड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड भी आप कर सकते हैं, पर आप स्टैंडर्ड ही छोड़ दीजिए क्योंकि ये रिकमेंडेड है।
और इसको हम डिफॉल्ट ही ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद में इसके अंदर में आप DL जनरल ऑडियंसेस को सेलेक्ट कर दीजिए, लाइव स्ट्रीमिंग को सेलेक्ट कर लीजिए, एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोस को भी सेलेक्ट कर दीजिए और इस वाले को आप अनटिक कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारा कैंपेन जो है हमने उसके सेटिंग्स कर दी हैं और यहाँ पर जो एड ग्रुप बनाने की बारी आई है हमारी, एड ग्रुप किस तरीके से बनाएंगे, तो इसमें भी वही आपको करना है कि ग्रुप वन जैसे हम इसको नाम दे रहे हैं, ग्रुप थ्री नाम दे रहे हैं, तो इसको हमने नाम दे दिया। आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से कि आप उसको अगर बाद में देखना चाहें तो उस नाम से आप इसको देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी एड की डेमोग्राफिक्स को सेलेक्ट करेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेल को टारगेट कर रहे हो, फीमेल को टारगेट कर रहे हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं तो रेकमेंडेड करूंगा कि आप 25 से 34 और 18 से 28 के एज के लोगों को ही सेलेक्ट कीजिए और इस सभी को अनटिक कर दीजिए, पर नहीं इसको आप डिफॉल्ट ही वैसे छोड़ दीजिए क्योंकि हमें नहीं मतलब कि हमारी वीडियोस कौन देख रहा है, हमें तो मतलब हमारे पर व्यूज आने चाहिए, सब्सक्राइब्स आने चाहिए, इंटरेस्ट वाला ही देंगे। तो यहाँ पर ऑडियंस को आप किसी टारगेट करना चाहते हैं तो अपनी ऑडियंस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम इस ऑडियंस को यहाँ पर छोड़ देते हैं वैसे डिफॉल्ट। इसमें मेन चीज होती है जो होती है कीवर्ड, आपका कीवर्ड को आप जितने अच्छे से यहाँ पर सेट करेंगे उतने अच्छे से ही आपका वीडियो रैंक करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जैसे हमारी वीडियो जिस वीडियो का आप कोई भी जिस पर आपकी वीडियो बन रही हो, बनी हुई हो, जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर कीवर्ड सेट करेंगे। जैसे हम फिल्मोरा के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर फिल्मोरा जैसे सर्च करेंगे यहाँ पर, तो इसके लिए जो कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं अभी वो सभी आ चुके हैं। यहाँ से सिंपली हमें ऐड पर क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इतने एड्स कर लिए हैं इसके अंदर कीवर्ड्स, और आप देखते हैं इसके इम्प्रेशंस हैं 610 मिलियन, और हमें यह करना है इसको ऐसे छोड़ देना है हमने क्योंकि इसको सेट कर दिया। आप टॉपिक को सेलेक्ट कर सकते हैं तो इसको डिफॉल्ट रखेंगे, प्लेसमेंट को भी डिफॉल्ट रखना है हमें। अब यहाँ पर आपको अपनी बिड स्टार्ट अगर आप कर रहे हो तो आप 10 पैसे से कीजिए, तो यहाँ पर 0.20 डाल रहा हूँ। तो उसके बाद में अब यहाँ पर आपके वीडियो एड का लिंक यहाँ पर डाला जाएगा। आपको क्या करना होगा कि अपने चैनल को ओपन करना होगा या फिर आपकी जो भी वीडियो हो, चाहे इंस्टाग्राम की वीडियो हो, चाहे जहाँ की वीडियो हो, उसको आपको उसका लिंक चाहिए होगा सबसे पहले। तो यहाँ पर हम जैसे इस वीडियो को एड लगाने वाले हैं तो उसके बाद में उसके लिए आपको क्या करना होगा कि शेयर के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर कॉपी कर लेना होगा इसको, हम इसको क्लोज कर देंगे। अब आपकी जो भी लिंक हो यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, आपके वीडियो की जो भी लिंक हो, जैसे हमने यूट्यूब वीडियो को अभी ओपन किया था वहां से हमने लिंक कॉपी की, आप कोई भी कर सकते हैं। और यहाँ पर दो तरीके के एड आपको दिख जाएंगे, इसमें आप कौन सा एड लगाना चाहते हैं। तो जो ये स्केपेबल वाले एड्स होते हैं ये थोड़े से महंगे होते हैं, ये वीडियोस पे जाके अपने आप चलने लगते हैं। जब भी आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं YouTube पर तो आपको क्या करना होगा कि स्केपेबल के बदले आपको यहाँ पर वीडियो डिस्कवरी एड को सेलेक्ट कर देना होगा क्योंकि कम से कम पैसे में आपका काम हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आपको डिजिटल किसी भी डिजिटल जो आपका थंबनेल है उसको नहीं रखना है, नहीं तो आपका एड डिसअप्रूव हो जाएगा, आपको नॉर्मल रखना है। तो आप जैसे यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, आपका एड इस तरीके से शो होगा ये वाला जो एड है, और अगर आप किसी और भी थंबनेल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन और टाइटल डालना है, टाइटल आपको ऐसा डालना है जिसमें आपका कोई ब्रांड का नेम नहीं होना चाहिए। अगर आपका बार बार एड डिसअप्रूव हो रहा है उसको अप्रूव कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आई बटन मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने दे दी है, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे और इसी को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। डिस्क्रिप्शन भी हमें फिल कर देनी है।
तो अब देख सकते हैं हमने यहाँ पर चारों बॉक्स को फिल कर दिया है, और आपको फिर से चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं ऐसे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 302 मिलियन इम्प्रेशंस आ चुके हैं, और यहाँ पर आप कोई भी थंबनेल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर भी वो डिजिटल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका एड डिसअप्रूव हो जाएगा। हम यहाँ पर क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू कैंपेन पर क्लिक करना है, आपका एड कंफर्मेशन में आ जाएगा और आपका एड यहाँ पर आ जाएगा। जैसे हमने ये किया अभी, अब आपको यहाँ से एड्स एंड एक्सटेंशंस में चले जाना है। जैसे हमने ये वाला एड अभी अभी लगाया तो ये अंडर रिव्यू में है, ये अभी प्रोसेस होने के बाद अप्रूव हो जाएगा या फिर डिसअप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कितनी आसानी तरीके से, कितनी इजीली तरीके से आप गूगल एडवर्ड्स के अंदर कैंपेन को सेट कर सकते हैं और व्यूज ला सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करा सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपको इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।